ई पेमेंट वॉलेट का दिनों दिन चलन बढ़ता ही चला जा रहा है। कुल मिलाकर डिजिटल पेमेंट की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार के साथ ही अन्य कंपनियां भी लगातार प्रचार कर रही हैं और मोबाइल वॉलेट की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। पेटीएम, मोबीक्लिक, फोनपे के बाद गूगल, व्हाट्सएप आदि ने भी अपने अपने ई वॉलेट शुरू कर दिए हैं। पता यह चला है कि कुल मिलाकर ग्राहकों की डाटा की सुरक्षा और उनके साथ कोई धोखाधड़ी न हो, इसके लिए सरकार बेहद चिंतित है और इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा RBI को यह कहा गया है कि वह इस बारे में नियम तय करे ताकि लोगों का डाटा एकत्र करने, उसका इस्तेमाल करने और डाटा शेयरिंग से ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके। गौरतलब है कि इसी साल 6 अप्रैल को रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी करके यह भी कहा था कि भारत में होने वाले सभी तरह के डिजिटल भुगतानों का डाटा देश में ही रखा जाए। यह भी मानना है कि ऐप्स के जरिए सेवाएं देने वाली पेमेंट सर्विस प्रदाता कंपनियां अपने ग्राहकों का निजी डाटा अपने पास रख रही है। इसे लेकर चिंता इसलिए भी है क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और इन पेमेंट सेवा प्रदाताओं के बीच जो करार होता है उसमें लोगों के डाटा की जिम्मेदारी न तो NPCI पर डाली गई है और न ही सेवा प्रदाता इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ऐसे में लीकेज, डाटा शेयरिंग, चोरी को लेकर ग्राहकों के हितों की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। ऐसे में यह जरूरी हो गया है कि सेवा प्रदाताओं पर देश के कानूनी ढांचे और रेगुलेटर के नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए।